बैदाम तीर्थ गोधरा हिंदू मंदिर मांडवी भुज गुजरात में है। यह भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान में से है और इनकी गिनती 51 प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। अंबाजी माता मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ये ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ था और तब से अब तक इसका काम अभी चल रहा है। ये मंदिर के जस्ट साइड में ये पत्थर रखा है जो पानी में तैरता रहता है। ये जो मंदिर के बैक साइड में जो एग्जीबिशन टाइप का रखा है, जितना भगवान का मूर्ति है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, आप खुद आके देख सकते हैं कि कृष्ण लला कैसा हुआ था, कृष्ण की मूर्ति कैसे क्या क्या हुआ था, सब कुछ उसमें डिटेल में है। यानी कि कौन सा जगह पे कैसे भगवान को माना जाता है, कैसे पूजन किया जाता है, किस रूप से भगवान आए थे, ये सब इसमें दर्शाए गए हैं। तो आप लोग जब एक बार दर्शन के लिए आओगे तभी आपको पता चलेगा कि किसमें कौन सा क्या रखा है, कैसे भगवान आए थे, कैसे और मनुष्य रूप में कैसे कहाँ पर क्या लीला किए थे, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नवरात्रि में दिखाता है अलग ही नज़ारा। अंबाजी मंदिर में युग संभाल कर भक्तों का आना जाना रहता ही है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तगण पूरी श्रद्धा से माता की भक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, इस खास अवसर पर मंदिर के प्रांगण में धोबई और गरबा जैसे नृत्यों का आयोजन किया जाता है, साथ ही स्थान सिद्ध का पाठ भी किया जाता है। भारत में इस तरह के मनाई जाती है नवरात्रि। एग्जीबिशन के बाद ये आता है गुफा, जो गुफा के अंदर इसमें भी काफ़ी पुराना मूर्ति और ये फोटो वगैरह जाकर रखा है जो मन लो देखने के लिए लायक है। जिस गुफा के अंदर से आप चलते जाओगे बिल्कुल अंधेरा है, लाइट के वजह से बिल्कुल क्लियर देखा है। उसमें बीच बीच में लाइट के साथ फोटो भी डाल रखा है भगवान का, कैसे कैसे क्या मिला था, क्या भगवान का दर्शाए गए थे, ये सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। इतना अच्छे से सजा के रखा है कि एक बार जाओगे तो आपको बार बार आने की इच्छा आए। गुफा ज़्यादा लंबाई नहीं है, थोड़ी सी ही है, लेकिन बस ये भी इसमें माता के मूर्ति रखे गए हैं और चलते चलते बस हम गुफा से बस निकलने वाले हैं। तो जैसे गुफा क्लोज हो जाते हैं तो गुफा से जैसे हम बाहर निकलते हैं उसमें ऊपर बड़ा सा भले बाबा की फोटो भी है।
बस यहाँ तक ही है गुफा, और बस हम यहाँ से अभी गुफा से बाहर, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ से, बस हम अभी निकलने वाला है इधर गुफा से। बस यही तक है गुफा, लगभग आप अगर गुफा अच्छे तरह से देख जाओगे तो आधा घंटे तक आप अच्छी तरह से देख के आ सकते हैं। इसमें सारे फोटो ही लगा हुआ है भगवान का।